नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिंटर 36 के आपके अपने चैनल पे। और ये सेशन जो है स्पेसिफिकली है सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए। यस, सीटेट एस्पिरेंट जो कि दिसंबर 2019 का पेपर देने की सोच रहे हैं, और जो कल नोटिफिकेशन आई है अभी अनऑफिशियल है आई है, लेकिन सोर्सेस से अगर हम माने, यानी कि अगर हम न्यूज चैनल्स की माने, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफिशियल ही है। और जल्दी ही 19 तारीख को, जिस तरीके से उन्होंने दावा किया है, 19 तारीख को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि कैसे करें 2019 दिसंबर के सीटेट को पास। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 2018 दिसंबर का पेपर दिया होगा, फिर अभी 2019 यहां पे जुलाई का सीटेट दिया होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों में सफलता नहीं मिल पाई है। तो ऐसे केस में हम, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि अगर ऐसे केस में अगर आपने दो दो बार सीटेट दे दिया और आपको सफलता नहीं मिली, या फिर इन दोनों में से एक बार दिया हो लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, प्रीवियस ट्रेंड्स क्या रहे हैं, और ऐसा क्या किया जाए कि इस बार सीटेट को 100% हम पास कर ही ले। हो सकता है कि कुछ हमारे सिलेक्शंस गलत हो, हो सकता है कुछ हमारे हमारी प्रायोरिटीज गलत हो, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर हम सीटेट क्रैक नहीं कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जब मैं 2018 या फिर 2019 के पेपर को देखता हूं, तो देखने के बाद मुझे कुछ बातें समझ में आती है। पहला कि अगर मैं पेपर के लेवल को देखूं, तो पेपर का लेवल जो है, और अगर मैं 2011 के पेपर को देखूं जो सबसे पहला सीटेट हुआ था, तो 2011 के मुकाबले 2018 और 19 का जो पेपर था वो इजी था। ये जो था वो इजी था, ये डिफिकल्ट था। यानी कि 2011 में जो पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में तो अभी का जो पेपर है वो बहुत इजी आते। अब इजी आने का मतलब क्या है कि जब इजी है तो किस सेंस में इजी है, क्योंकि हमें पैटर्न का पता है, सवाल के तरीकों का पता है, ठीक है, और प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं मतलब क्या है, हमारे सही में वो क्रिटिकल नॉलेज को चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन बना दिया। मैं मान के चलता हूं अभी टीचिंग एग्जाम्स में जो एग्जाम होते हैं, सीटेट का एग्जाम बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन सेट करते हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं, और रियल टीचिंग को चेक करें इस तरीके के प्रश्नों को बनाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम दूसरी बात करें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि अगर क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन कहां से लिए जाते हैं, तो यहां पे टीचिंग पेडागोजी के ऊपर बेस जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिए जाते हैं। अगर आपकी टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग के अंदर आपका सच में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप यहां पे बहुत अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। और जब मैंने प्रश्नों को देखा तो मुझे रियलाइज भी हुआ कि हाँ, ये प्रश्न ऐसे ही हैं कि अगर इनको, अगर आपकी टीचिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 2011 में चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत थी, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन बहुत होते थे, लेकिन अभी जो है टीचिंग पेडागोजी और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, और जो मतलब रियल में जो रियल टीचिंग से रिलेटेड है, साइंस ऑफ टीचिंग जो है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जो कि आपको पता है कितना है, 15x4 यानी कि 60 क्वेश्चन जो है वो सच में आते ही है। और ऐसे प्रश्नों को जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की जब हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर रियल लाइफ में हमारा जितना एक्सपीरियंस है उसको जब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 130 मार्क्स भी आए हैं, तो वो क्यों आए हैं, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, उनका टीचिंग का जो बैकग्राउंड है वो मजबूत है। अगर सीटेट के अंदर अगर हमारा टीचिंग का बैकग्राउंड मजबूत है, तो हमें इसको पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि टीचिंग पेडागोजी को थोड़ा मजबूत करें, तब अपने आप ही चीजें होने लगेंगी। और एक चीज और, फॉलो ऑफ सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस जो दिया हुआ है, क्या वो सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो मैं कहूंगा यस। यही एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर सिलेबस जो दिया जाता है उसको फॉलो किया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा है, इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा है, उसके अंदर फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पूछा है, फिर उसके अंदर जेंडर बायस पूछा है, या फिर जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट पूछा है, उसके बाद थियरीज पूछी है, साइकोलॉजिस्ट पूछे हैं, तो उनमें से प्रश्न आते हैं, और जो जो टॉपिक उन्होंने दिए हैं उसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये अपने आप में पेपर को इजी बना देता है, इसलिए मैंने पेपर को इजी रखा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सिलेबस उन्होंने दिया है वहीं से प्रश्न आ रहे हैं, और वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। अगर ऐसे मामले में भी अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी हमारी रह जाती है। तो यहाँ पर सिलेबस से प्रश्न आ रहे हैं और टीचिंग पेडागोजी से प्रश्न आ रहे हैं,
तो मैं यहाँ पे अगर 90 मार्क्स की बात करूं तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके से उन सीएसईटेट ने बोला है उसी तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डीएसएसबी की तरह कहीं और से प्रश्न आ गए, ऐसा नहीं कि केवीएस की तरह कि क्वेश्चन के टाइप्स बदल गए, यहां पे जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही प्रश्न वो पूछ रहे हैं। तो ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा हो जाता है जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है कि जो सीटेट है अपने पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन ये जानकर बहुत दुख होता है कि इतना सब कुछ ईजी होने के बावजूद भी हम 60% मार्क्स ला करके इसको पास क्यों नहीं कर पाते। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि हम मल्टीपल रिसोर्सेस की तरफ भागते हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज मतलब हम चाहते हैं कि मतलब अब क्या हो कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, वैसे भी कर लें, यहां वहां पता नहीं कहां कहां क्या क्या ढूंढते रहते हैं। इस वजह से बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो भटक जाता है और हम सही तरीके से सवालों को नहीं कर पाते। यहां पे क्या है, जरूरी है कि सीटेट के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम उसकी गहराई को समझें। गहराई को समझने का मतलब है, यहां पे मैं गहराई पूरे 150 नंबर की गहराई की बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं 60 नंबर की गहराई की, जो टीचिंग पेडागोजी है। अगर टीचिंग पेडागोजी की गहराई को अगर हम समझ गए, अगर उसके सही मतलब को हम समझ गए, तो यहां पर 60 में से 45 प्लस स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहां पे मैं सिर्फ इन 60 की बात कर रहा हूं। और जहां तक बात है चाइल्ड डेवलपमेंट के 30, तो वहां पे 20 या 25 प्लस स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यहां पे जब आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो बाकी के जो सब्जेक्टिव के 60 मार्क्स हैं वहां पे तो आराम से आप स्कोर कर लेंगे और 110 प्लस यहां से आप स्कोर करके लेके जा सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहला रीजन है मल्टीपल रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है तो उसी तरीके से रिसोर्सेज को पढ़ना है, नंबर वन। और दूसरा क्या करते हैं, हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही सही है, 100% करेक्ट है। हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ज्यादा सही है। अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें एक प्रैक्टिस होती है और हमें समझ में आता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहां पे गलती कहां हो जाती है, यहां पर गलती एक दो बातें, एक तो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अपनी प्रैक्टिस को जज करने के लिए, और एक होता है हम एमसीक्यू ही सॉल्व करते हैं प्रिपरेशन के लिए भी, अपनी प्रैक्टिस को भी जज करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो अगर इस तरीके से हम अगर एमसीक्यू को सॉल्व करें तो हमारे नंबर हो जाते हैं यहाँ पे जीरो, हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है जीरो। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो एमसीक्यू का एक क्वेश्चन के साथ जब चार ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं और बहुत सारे आइडियाज से हमें सीखने को मिलता है। तो मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि जी हाँ, जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके साथ चार ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमें सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि वहां से आप चीजों को सीख रहे हैं तो आप सब कुछ सीख रहे हैं। सब कुछ सीखने के लिए जरूरी है कि उससे पहले आप थोड़ा सा कंटेंट को स्टडी करें। जब आप कंटेंट को स्टडी करेंगे उसके बाद ही आप यहां 100% करेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपका कंटेंट मजबूत नहीं होगा, एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे आपको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगा, आप क्वेश्चन के तरीके को भी समझ जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीख जाएंगे, लेकिन पेपर में अगर कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिस प्रश्न को आज से पहले आपने देखा ही नहीं, या फिर इस तरीके का प्रश्न आ गया जिससे आप अनटच्ड रहे हैं, तो ऐसे केस में एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपके वहां काम नहीं आएगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपके काम तभी आएगी जब आप पहले से वेल इक्विप्ड हैं विद नॉलेज। नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। यहां पर एमसीक्यू सॉल्यूशन के अंदर कंटेंट नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, पेडागोजिकल क्वेश्चंस के लिए नहीं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस जो 60 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट के, ठीक है। यहां पे देखिए पेडागोजी के लिए तो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञान मिलता है, लेकिन जो चाइल्ड डेवलपमेंट और जो 60 क्वेश्चन 15 नंबर इंग्लिश के जो आएंगे, जिसमें पैसेज वैसे जाएगा, हिंदी के पैसेज वैसे जाएंगे, ईवीएस के क्वेश्चन आएंगे और मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे, ये जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उसके लिए आप सिर्फ एमसीक्यू पे अगर भरोसा करेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में भी अगर आप सिर्फ एमसीक्यू पे भरोसा करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो इस तरीके, और लेकिन अगर जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी है तो उसमें कहीं ना कहीं यस आपको मदद मिलेगी, जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मदद मिलेगी, क्योंकि पेडागोजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो है नहीं और पेडागोजी से रिलेटेड कोई किताब तो है नहीं, तो ऐसे केस में जब उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि हम बच्चों को भी समझे।
अगर आप ऐसे केस में अगर कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चों को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। जब आप कुछ भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, मैं ये चीज कर रहा हूं या कर रही हूं तो ये सही है या गलत है। तो ये अपने आप में हमारे नॉलेज को एनरिच करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी यानी कि रियल प्रैक्टिस और एमसीक्यू से हमारी यहाँ प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन यहां नहीं हो पाएगी। तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सीडी में कैसे करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, सबकी खिचड़ी पका देते हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ भाग जाते हैं, मतलब कुछ भी करने लग जाते हैं। तो जब हम कुछ भी करने लग जाएंगे तो मार्क्स भी कुछ भी आ जाते हैं। तो ऐसे केस में मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट 89 पर आकर के रुक जाते हैं। तो वो अपने पेपर को रीचेक के लिए भेजते हैं कि कहीं से एक नंबर बढ़ जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अपने मार्क्स को एटलीस्ट 95 प्लस के हिसाब से ही एम करना पड़ेगा। और वो कब होगा, जब आपकी अच्छी नॉलेज होगी कंटेंट के अंदर और पेडागोजी के अंदर। तो जरूरी है कि आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आप जैसे आप लड़ाई करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई किस समय 3.5 mm की गन चलानी है, किस समय 9 mm की गन चलानी है, किस टाइम तोप चलानी है, किस टाइम किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल करना है, किस टाइम चक्कू चलाना है, किस टाइम बंदूक पे लगे ऊपर वाली तलवार को चलाना है। तो भाई आप पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी अस्त्र या शस्त्र है उसका किस समय किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आप कहीं पे भी अगर कुछ भी इस्तेमाल कर देंगे तो हमेशा आपको सक्सेस मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार लोगों को मिल भी जाती है लेकिन वो सिर्फ एक लक या फिर एक प्रोबेबिलिटी का एक एक्सेप्शनल हिस्सा होता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब आप हमको सब कुछ सही तरीके से सही समय पर सही काम करते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। तो ये थी सारी चीजें और यही थी बात जिस वजह से सीटेट के अंदर दिक्कत हो रही है। तो मैं आज आपके साथ ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं आज आपके साथ ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सेशन के अंदर मतलब ये जो अपना दिसंबर 2019 का जो सीटेट का एग्जाम होगा, जिस तरीके से मैंने आपके साथ बात करी है, जो चीज मैंने आपको बताया है, उसी सेंस को डेवलप करने के लिए मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में आपके साथ क्लासेस लूंगा। ठीक है, क्लासेस मतलब यूट्यूब पे जो कि फ्री है, फ्री क्लासेस है। ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पे क्लासेस लूंगा जहां पर मैं आप लोगों का कंटेंट और एमसीक्यूज और एप्टीट्यूड डेवलप करूंगा, यानी कि टीचिंग के अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करूंगा। मैं मेरी बातों से, वीडियोस के थ्रू जिस भी तरीके से कर सकूं एक एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करूंगा। अगर टीचिंग के लिए अगर आपका एप्टीट्यूड एक बार डेवलप हो जाएगा तो आपको क्या फायदा मिलेगा कि ना ही सिर्फ सीटेट, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहां पर इन चीजों के ऊपर काम करेंगे और हमारा फाइनल एम होगा कि फिलहाल भाई सीटेट को हम तो क्रैक करेंगे ही, लेकिन हम प्रैक्टिस कर ले अपने डीएसएसबी के लिए या फिर केवीएस के लिए या फिर एमवीएस के लिए या फिर अपने स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है, स्टेट बोर्ड के टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ रहे हैं ये पढ़ लिया, आप इस पढ़ाई का कोई भी इस्तेमाल ना हो जब आप टीचिंग के एग्जाम्स का कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से करना है कि हमारी नॉलेज आगे भी काम आए। तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ने वाला हूं। तो अब ये रेगुलर क्लासेस होंगी जहां पर एक बैच जो है वो फिक्स हो चुका है, एक बैच फिक्स है सीटेट का हमारा, एक बैच फिक्स है डीएसएसबी का और एक बैच फिक्स है केवीएस का। और फिलहाल अभी एनवीएस जो चल रहा है वो तो अभी एक डेढ़ महीने में वो भी खत्म हो जाएगा, तो एनवीएस का कोई फिक्स बैच नहीं है, लेकिन जो चल रहा है वो अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए भी रहेगा, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बाद में बैच बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो केवीएस के साथ है वो एनवीएस इसी के साथ जुड़ा हुआ है। केवीएस का क्या है कि पीआरटी के एक्सपर्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारे साथ प्राइमरी टीचर्स सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अधिकतर जो लोग हैं वो सीटेट क्रैक, जिनका सीटेट पास है। जैसे कल मैंने सर्वे किया था, लगभग 50% से ज्यादा कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सीटेट पास है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी जो सीटेट पास नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सच में सीटेट पास नहीं और चैनल से जुड़े हुए नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार सीटेट क्रैक करें, और क्योंकि दिसंबर के अंदर, दिसंबर 8 दिसंबर को सीटेट क्रैक होगा और उसके तुरंत बाद आप मान के चलिए कि उसके तुरंत बाद आपको केवीएस का भी एग्जाम देखने को मिलेगा। तो अगर आप उस एग्जाम को मिस नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि भाई उस एग्जाम को आप क्रैक करें और तुरंत आपकी जॉब लग जाए, तो मैं आपको अभी से सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट फॉलोइंग अस। आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ओके कीजिए, क्योंकि जो हम एमसीक्यूज रोज अपलोड करते हैं चैनल पर वो आपको तभी मिलेगी जब आपने
ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ है, इससे आप उस एमसीक्यूज को सॉल्व करके अभी डेली रास्ते में चलते चलते प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से एक और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो कि सीटेट से रिलेटेड है, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनको उन तक भी ये बात पहुंचेगी और आपकी जब एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन जाएगी तो यहां पर चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम शेयर करेंगे और भी बेहतरीन तरीके से हम काम करेंगे जितना बढ़िया आपका सपोर्ट होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना ना भूलें एंड मेक श्योर कि आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली सीटेड का एक बैच बनाया हुआ है, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।